हिमाचल में आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन होगा। जी हां, मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है, इसे लेकर हिंदू संगठनों का यह प्रदर्शन होना के आज संजौली में धारा 163 लागू रहेगी। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। 5 लोगों को इकट्ठा करने पर एक तरह से प्रतिबंध होगा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी बाजार नियमित रूप से खुले रहेंगे, यानी कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बाजार खुले रहने वाले हैं। शिमला के एसपी संजीव कुमार का बयान। संजौली में आज होने वाले विरोध प्रदर्शन पर बोले एसपी, हमने बीएनएसएस 163 के तहत ये प्रक्रिया लागू की है। एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ये एसपी ने जानकारी दी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए जाएंगे। हिमाचल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। हितधारकों ने भी कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, हमने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, देखिए ये मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है, कोर्ट में मामला जा चुका है, ऐसे में प्रदर्शन किस तरह का रहेगा, कौन कौन से संगठन ये प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हिंदू संगठनों ने पहले ही ऐलान किया था कि आज यानी 11 सितंबर को ठीक 11 बजे संजौली बाजार में प्रदर्शन होगा, जहां पर मस्जिद है उसके पास ही प्रदर्शन होगा, क्योंकि इनका कहना है कि अवैध निर्माण हुआ है और जिस तरह से ये पूरा सांप्रदायिक मामला बन गया है उसको लेकर टेंशन पहले से ही यहां पर है। और अब कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठनों का जो आह्वान है प्रदर्शन करने का, उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर दी है। यहाँ पर धारा 163 जो है वो लगा दी गई है ताकि यहाँ पर कोई प्रदर्शन ना हो सके और ना कोई रोष निकाला जा सकता है, ना यहाँ पर धरने पर बैठा जा सकता है और ना अनशन किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान व्यवस्था इस वक्त की गई है। भारी पुलिस बल भी वहां पर लगा दिया गया है और प्रदेश की जो 6 रिजर्व बटालियन है उनके जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है। QRT यहाँ तैनात की गई है और हर आने जाने वाले की पर नजर रखी जा रही है और कोई भी तेज धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकता है। हालांकि सामान्य जनजीवन जो है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रशासन ने अभी जो है एहतियाती कदम उठाए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या प्रदर्शन सफल हो पाता है, लोग वहां आते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई जो कानून हाथ में लेने का काम नहीं करेंगे। मस्जिद तोड़ने की बातें जो हो रही थी वो मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, प्रदर्शन यहाँ पर किया जाना है, इस तरह की बातें हुई हैं। हालांकि जो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हैं उनके साथ प्रशासन की गुपचुप बैठक भी हुई है, लेकिन उसमें भी ये साफ क्लियर किया गया है उनकी तरफ से कि हम प्रदर्शन यहाँ करके रहेंगे। और जो पुलिस प्रशासन है, जो DC शिमला है, SP शिमला है, उन्होंने बीते कल शाम को फ्लैग मार्च भी वहां पर किया और वहां पर सब जगह जो है संजौली बाजार में। और अब आज देखना ये होगा कि प्रदर्शन किस रूप में होता है और क्या पुलिस जो है वो प्रबंध, पुलिस के जो पुख्ता प्रबंध है वो किस तरह के रहते हैं। अच्छा, देखिए पुलिस की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो ऐसे में प्रदर्शन की क्या सूरत हाल रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी जब प्रदर्शन हुआ था तब भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन लोग बड़ी संख्या में जुट गए थे, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कोई विपरीत परिस्थिति नहीं बनी। और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या प्रदर्शन हो पाएगा, अब इस पर सबकी नजरें हैं, क्या पुलिस इस प्रदर्शन को होने देगी या रोकेगी, ये सब इस पर अब सबकी निगाहें हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन इधर हिमाचल के CM और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं, अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल, ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल, और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा भी होते तो इट विल बी अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन
और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात पहले हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पीसफुली रहेगा।